महाभारत में वर्णन है गायों की महिमा का, जो वर्णन है कि गाय हमेशा अपने गोभक्त को लभती है। लभती है मतलब लाभ प्रदान करती है। तो जो महाभारत में जो श्लोक है, गोशु भक्तस्य लभते यद यदिच्छति मानवः स्त्रियोडपि भक्ता या गोशु तासच कामं वाप्नुयात्, पुत्रार्थी लभते पुत्रम कन्यार्थी ताम वाप्नुयात, धनार्थी लभते वित्तम धर्मार्थी धर्मम वाप्नुयात, विद्यार्थी चाप्नुयात विद्या सुखार्थी प्राप्नुयात, सुखम न किंचित दुर्लभम चैव गवां भक्तस्य भारत। अर्थार्थ गाय हमेशा अपने गो भक्त को लभती है, लाभ प्रदान करती है। तो ये देखें जितनी भी गायें यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये जो एक वास्तु के बारे में कहा गया है, आजकल ज़्यादा पढ़े लिखे लोग शायद वास्तु को उतना न मानते हों, लेकिन वास्तु दोष जहाँ पर बिगड़ा हुआ रहता है वहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा गऊ को ला करके स्थापित करें। तो इसी श्लोक में जो कहा गया है कि पुत्रार्थ ही लभते पुत्रम, कि पुत्र के अगर आप अभिलाषी हैं तो आपको पुत्र की मनोकामना गाय पूरी करती है। कन्यार्थी ताम वापनुयात, कन्या अगर आप चाहते हैं तो कन्या के अनुसार फल मिलता है। धनार्थी प्राप्नुयात वित्तम, धन अगर आप चाहते हैं तो आपको वित्त की प्राप्ति होगी। धर्म जो चाहता है उसको धर्म प्राप्त होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी प्राप्नुयात विद्या, विद्या प्राप्त होती है। सुखार्थी प्राप्नुयात सुखम, सुख का जो अभिलाषी है उसको सुख की प्राप्ति होती है। न किंचित दुर्लभम चैव गवां भक्तस्य भारत, कि गाय के गोभक्त को कुछ भी दुर्लभ नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा महाभारत में कहा गया है। तो ये जो पूरा श्लोक है ये गाय की महिमा का बखान करता है। तो ये देखें जहाँ पर सुख से गाय बैठी है, और अभी देखें शीतकाल है, सर्दियों के दिन हैं, दिसंबर का माह है, और ये जो गुनगुनी धूप है ये किसी भी औषधि से कम नहीं है। तो इस औषधि का पूर्णतः आनंद लेते हुए आज जहाँ पर मानव आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है वहाँ पर पशुपालन में इस तरह के खुले जो हैं, ये देखें पीछे तालाब और सूर्य और ये जो गुनगुनी जो रेत गर्म हो जाती है इसमें सर्दियों में एक आनंद की अनुभूति ये गऊ लेती हैं। तो श्वेत रंग ये देखें किस तरह से आकर्षित करता है। तो सफ़ेद रंग की ये जो गऊएँ हैं हरियाणा नस्ल की ये गऊएँ हैं, और ये देखें एक के बाद एक सुंदर गऊ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो युवा साथी हैं सुनील काउ फार्मिंग चैनल से, तो वीडियो इन्हीं की है लेकिन आज बनाने की जो जिम्मेदारी है वो मुझे दी गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखिए नन्हे बच्चे जो हैं, और इस गऊ के जो गोपालक हैं वो यहाँ पर हैं आ जाएं। तो मैं जानना चाहूँगा गऊ की क्या कुछ विशेषता आपने बताई, आगे आ जाएं, क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता है, क्या कुछ है उसके बारे में बताएं, स्वभाव कैसा है जी। सबसे पहले शुभ नाम बताएं आप। मेरा नाम विशेष बुरा जी भाई, ये बताएं कितने साल से आप ये अपने खूंटे पर रखते हैं? तीन चार साल से आप ही के पास है। ठीक है, तो क्या कुछ दूध देती है ये? इसका दूध 17-18 किलो। 17-18 किलो तकरीबन। अभी कितने दिन की ब्याई हुई है? अभी आठ दिन की ब्याई हुई है। और ये देखें दूध उत्पादन क्षमता इसकी जो है वो अति विशेष 15-16-17 लीटर जो भी गऊ दूध देती है तो वो वाकई में एक श्रेष्ठ गोधन है। तो हरियाणा नस्ल में ये देखें थनों के ऊपर काले चितके जो हैं, अच्छी लेवटी की बनावट और इंटैक्ट अडर है, मिल्क वेन जो है वो प्रोमिनेंट है, और सबसे जो उच्च क्वालिटी जो उच्च इसकी जो गुण है वो है कि शालीन और सौम्य गऊ है। एक बार आए, ये तो आपकी गऊ है, आप वहीं खड़े रहे, आप तो नए हैं इसके लिए, आपने हाथ फिराया, क्या कुछ अनुभव किया इसके बाद? बहुत अच्छा है जी, शांत है बिल्कुल एकदम से, किसी अच्छा। प्रकार का हिलना डुलना नहीं, और भी इनके एक दो गायें हैं तो वो भी इसी तरह से शांत है। तो ये देखें नया बंदा हूँ और 8 दिन की ब्याई हुई, ताजा ब्याई हुई, तो वैसे भी हाथ नहीं लगाने देती जी। तो ये देखें कहीं हाथ लगाए, कोई थन पकड़े, गाय ने अपना वात्सल्य प्रदर्शित करते हुए जो पूंछ है वो ऊपर उठा दी है। तो ये देखें बहुत बढ़िया। और एक बार चेहरे की तरफ जाए, कुछ लोग कहते हैं कि गायें सिंह से टक्कर मारती है, तो ये देखें तो गऊएं जो हैं गऊ की श्रेणी में जो गायें होगी वाकई में वो आपको सौम्य देखने को मिलेगी और इस तरह का वात्सल्य प्रेम उसमें
कूट कूट कर भरा हुआ होगा। अगर वो हिलती है, टक्कर मारती है और इस तरह से करती है, तो शायद संपूर्ण जो गऊ के गुण हैं उसमें उतने न झलकते हों। और इसके पीछे एक और गऊ है, उसके पास भी एक बार शेर सार के ऊपर हाथ फिरा करके दिखाएं। हाँ, बिल्कुल आराम से सौम्य गऊ, ये देखें, सुंदर गऊ है। और चेहरे की बनावट, सिंगों की बनावट और दूध उत्पादन क्षमता जो है इसकी भी काफी श्रेष्ठ। आ जाएं, बताएं छोटे भाई, बताएं। गांव गिराए से युवा साथी हैं विजयपाल बूरा, और उन्हीं के भाई हैं आप, भाई लगते हैं। अच्छा, भतीजे लगते हैं आप, भतीजे लगते हैं जी। बताएं तो इस गऊ के बारे में, लाइव मिल्किंग में 17 किलो दूध रिकॉर्ड करवाया। एक थन का नुकसान हुआ है? अच्छा, एक थन का नुकसान हो गया, 3 थन है अभी, अभी भी एकदम ओके है दूध में, दूध में अच्छी है। देखें एक बार हाथ फिरा करके दिखाएं सर। डेढ़ महीने की ब्याई हुई है भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक और जो गऊ है वो देखें, वो आगे बैठी है, हरियाणा नस्ल की एक और श्रेष्ठ गायों में से। आप देखें तकरीबन 9-10 माह इसको ब्याय हुए हो चुके हैं और फिर भी जो गऊ है। इसकी कुछ लोग जो कहते हैं कि ये थार पारकर में इसको वो करते हैं, तो उसका थोड़ा आए हैं, इनको बोल के गए होंगे का भी। तो आप खुद बताएं जो कमेंट। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि नाभि से जोड़ के देख लेते हैं, नाभि है थोड़ी, तो भाई ये थार पारकर में होगी। अच्छा, और जैसे कि हाइट लेंथ थार पारकर की छोटी मिलती है, तो ये जो नाभि है ये थार की नहीं है। और आगे पीछे के पैर आप देखो तो लेग लेंथ आप देखें, लेग लेंथ भी अगर आपको देखनी ना आती हो तो एक जो बोल है वो गाय के ऊपर अगर आप रख देंगे तो बहुत ज़्यादा, अगर उसका आगे की तरफ ढलान होगा तो वो लुढ़क करके और उसके हम्प की तरफ जाएगी। इसको एक बार ठीक खड़ा करें, डरी हुई है गाय। हाँ, आप देखें हरियाणा ब्रिड में तकरीबन अगले और पिछले पैर दोनों बराबर मिलेंगे और गाय तकरीबन कमर की तरफ आप देखेंगे तो वो फ्लैट आपको दिखाई देगी। देखिए फ्लैट, इस तरह से फ्लैट, न कि साहिवाल या थार की तरह अगली गोड्डी छोटी और पिछले पैर लंबे, इस तरह के वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये देखें त्रुटि, थोड़ा लूज भी मिल जाता है जी सांचा, थोड़ा और कुछ एक का बिल्कुल एकदम कम्पैक्ट, बिल्कुल टाइट मिलेगा। जी जी जी, तो इसको भी थोड़ा थार पारकर से जोड़ लेते हैं कई लोग। जी जी जी, तो अनेकों चीज हैं। बाकी मिल्क लाइन की ये एक क्वालिटी मैं इसे कहूंगा कि नाभि से लेकर के अडर तक एक जो पट्टी है वो अटैच करती है, तो वही अटैचमेंट मात्र इसमें है। इसको थार कह देना ये तो पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत। आप गले की जो गलकंबल है और हम्प की जो बनावट है, चेहरे की जो बनावट है, बनाना शेप्ड जो सींग है, बनाना जिस तरह से नीचे होता है वही मोटाई बनाना की ऊपर होती है, तो बिल्कुल आप वो देखें वही सींग है इसमें। माथे में एक बीच में खड़ा प्रोमिनेंट पोल है, चेहरे की बनावट और वो जो इसको थार बता करके गए हैं उसको जो है गायों की एक अच्छी जानकारी है, लेकिन फिर भी इसको थार अगर वो बता करके चले गए तो मेरी समझ से बाहर। तो ये देखें ब्रिड है हरियाणा और अच्छी गऊ है, थन आप देखें तकरीबन 9-9.5 महीने की ब्याई हुई होने के उपरांत भी सुबह के समय अडर की बनावट कुछ ऐसी निकल के आई। आफ्टर मिल्किंग शाम के समय क्या कुछ दूध देती है अभी भी? अभी 9-10 किलो दूध है। 9-10 किलो दूध अभी भी दे रही है? और भाई बहुत बढ़िया। तो देखें, और जो एक बछड़ा जो आया है कौन सी गाय का है? इस गऊ का जो बछड़ा आया है शक्ति से, उसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें। और एक बछड़ा जो आया है, मैंने पहले भी वीडियो में पूरा बताया है कि 30% शक्ति के बछड़े जो हैं वो बचपन में ललवासे रंग के आते हैं, जो कि आगे चल करके ये पूर्णतः एक श्याम रंग का और गहरे काले रंग का सांड बनेगा। तो ये जो सांड है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो रंग है, हरियाणा नस्ल में आपको ऐसा लगेगा कि साहिवाल का बछड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं। एक बार खड़ा करें, ये देखें लेग लेंथ अगर आप इस बछड़े की देखेंगे, उसकी देखें आप, तना हुआ शरीर, अरे भाई खरगोश की तरह है। बस बस बस
तो ये देखें हम्प की बनावट, और जो है सिर्फ रंग देख करके साहिवाल कह देना शायद उतना उचित नहीं होगा। कुछ इसी तरह के बच्चे जो हैं हमें रामू में भी देखने को मिलते थे, रामू में भी, जो कि आगे चल करके या तो लाखे या फिर काले या फिर शीणे रंग के हो जाते थे। तो क्योंकि बूढ़ी माई जो भारती थी वो चूरू की तरफ से आई थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो जो ट्रेस है, क्योंकि राजस्थान में जितनी विविधता नस्लों में पाई जाती है उतनी शायद ही कहीं अन्य पाई जाती हो, तो राजस्थान बड़ा भूभाग है, तो डीएनए जो है, जेनेटिक्स जो है वहाँ की डाइवर्स है। और हरियाणा नस्ल को अगर सिर्फ हम काले और श्याम रंग को एक्सेप्ट ना करें, सिर्फ सफ़ेद रंग को एक्सेप्ट करें, तो वो कहीं ना कहीं नस्ल के साथ जो है वो नहीं रहेगी। और ये देखिए रामू का बेटा है जो कि न पूरी तरह सफ़ेद तो न पूरी तरह लाल, लेकिन जैसे जैसे उम्र में बड़ा होगा, हम्प देखें आप, इसका भी एक अच्छा हम्प आया। तो इस बार तीन बच्चे आए हैं, एक ये रामू का है, एक वो शक्ति का है, ये शक्ति का है। आप एक चीज़ और देखें, ये भी बछड़ा जो है ये इस गऊ का है, लेकिन इसी के नीचे आया था, ठीक। तो हरियाणा रंग में ये जो रंग है, जैसे जैसे और बड़ा होगा तो ये रंग जो है ये सफ़ेद होगा, और फिर जो है सलेटी रंग में, काले रंग में, शीणे रंग में, लाखे रंग में, इस तरह का रंग परिवर्तित होता चला जाएगा। तो ये हैं गौवें, गांव है गिराए। फादर साहब एक बार आ जाएं, आएं, गाय के ऊपर से हाथ फिराएं, राम राम, राम राम। तो ये देखें युवा साथी हैं विजयपाल भूरा, उन्हीं के जो पिताजी हैं वो यहाँ पर हैं, और पहले यहाँ पर ये ज़्यादा दूध के लिए पहली बार जब हम आए तो HF गायें देखने को मिली, लेकिन अभी सभी HF गायें हटा दी और सिर्फ देसी गायें इन्होंने रखी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये जो गायें हैं ये भी आपको काफ़ी साल हो गए? चार साल होगी। और ये जो आपके भाई के पास है उनकी इसकी भी 4 साल है। अच्छा, इनके ये कितने साल से आपके पास है? एक साल से आपके पास है। अच्छा, एक साल से आपके पास। क्या कुछ दूध देखा है इसने? 21.5 किलो दिया। 21.5 किलो पीक का। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और आपने बताया कि लंबे समय तक बना के चली है, 6-7 महीने की ब्याई हुई भी तकरीबन 14-15 लीटर देती थी, 14-15, 7-7 लीटर टाइम का दूध। तो ये वो गऊ है जिसके लिए युवा साथी विजयपाल बुरा गांव घिराए से उन्होंने कहा था कि इस गाय की वीडियो जरूर कवर करें, मिल्किंग वीडियो। तकरीबन एक समय का 11 लीटर के आसपास दूध इसका तैयार है। उस समय समय नहीं मिला था, लेकिन इस बार अगर फिर गर्भित हुई और फिर अगर उतना दूध बनाती है तो ज़रूर इसको रिकॉर्ड कवर करेंगे। और ये देखें,